दिस इज बेसिकली डे थ्री ऑफ रेमिडियल क्लासेस और आज हम डिस्कस करेंगे एलसीएम फाइंड आउट करने के सारे मेथड्स कि कितने मेथड्स हैं जिसके जरिए से हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। एलसीएम की एप्लीकेशन पे बात हुई थी कि एलसीएम किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको एक तरीका और एक ट्रिक बताई थी कि हम कहाँ पर इसको आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। भाई मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, आप ग्रॉसरी करने गए, वहाँ पे आपके पास जो है ना वो बन और सॉसेजेस वाली जो एक एग्जांपल दी, आपने जो उसमें ट्रिक यूज की थी टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ बन एंड सॉसेजेस, दैट सेम एग्जाम्पल गोज फॉर, मतलब आपको और किसी जगह पर भी कोई ऐसा कॉमन नंबर ढूंढना हो तो उसके लिए हम एलसीएम को यूज किया गया। कि ऐसा कॉमन मल्टीपल जब हम उनके टेबल्स पढ़े तो उसके अंदर बाद में आए, या फिर इसका एक इस्तेमाल एलसीएम का मैंने आपको जब मैं फ्रैक्शंस बता रहा हूँ उसमें भी करेंगे। बेटा अपनी कॉपीज वगैरह निकालें, वर्कशीट हैं तो वो भी ओपन रखें अपने पास, लेकिन पहले कॉपीज निकाले, ठीक है? तो बेटा आज हम बेसिकली एलसीएम की सारी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे कि एलसीएम को हम कितने मेथड से कैलकुलेट करते हैं। एलसीएम का पहला मेथड कॉमन मल्टीपल मेथड है और इसका एक और मेथड प्राइम फैक्टर्स या प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्निक है, मेथड। और बेटा इसका तीसरा फैक्टर, तीसरा मेथड सॉरी, जिसे हम कहते हैं डिवीजन या इसी के लिए एक और नाम यूज किया जाता है मैजिकल मेथड। वजह क्या है अभी बताता हूँ, क्या मैजिक है भाई इसमें। तो दीज थ्री आर द बेसिक टेक्निक्स बाय विच वी फाइंड आउट एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर्स, जिसमें से पहली टेक्निक में हम प्रीवियस क्लास में बात कर चुके हैं, जो कि ये आपके सामने मेथड सॉल्व हुआ हुआ है जिसे कॉमन मल्टीपल मेथड मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। कॉमन मल्टीपल मेथड क्या था भाई, अगर 10 और 12 का तुम्हें एलसीएम निकालना है तो क्या करोगे, पहले 10 के मल्टीपल्स लिख दो, ठीक है, और इसी तरह फिर 12 के मल्टीपल्स लिख दिए यहाँ पर, और फिर उनमें ढूंढे कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं, और फिर उन कॉमन में सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है, जैसे यहाँ पर तो पहला ही कॉमन मल्टीपल कौन सा आया था, 60 आया था, 60 के बाद जाके दूसरा अगर आता भी तो 120 पे आता, तो सबसे छोटा ही 60 आया, तो भाई 60 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। सो इस पे बात हो चुकी थी, ये सबको याद है बेटा। अगर मैं आपको कोई दो नंबर्स का एलसीएम निकालने का दूं और मैं बोलूं कि इसे कॉमन मल्टीपल मेथड से निकालो तो निकाल लोगे, ठीक है? मेरे ख्याल से अभी मुश्किल तो नहीं है, समझ आ गया है सबको ठीक है। अब बेटे नेक्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, और आप बेटे आपको आता है ना ये कॉमन मल्टीपल मेथड, समझ आ गया देख के। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें हमें सबके इंडिविजुअल प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं, मगर प्राइम फैक्टर्स तो हर कोई निकाल लेता है। मसला कहाँ पर आता है मैं बताता हूँ, चलो लेट सपोज 10 और 12 का, अभी हमने पिछले सवाल में 10 और 12 का एलसीएम निकाला तो हमारे पास क्या आया था, 60 आया था, सबने देखा है ना वो, अभी पिछले पार्ट में 60 आया वेल। तो भाई हम क्या करते हैं, अब 10 12 का मैं तुम्हें एलसीएम निकाल के दिखाता हूँ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे यूज करेंगे बच्चे,
प्राइम फैक्टर्स के अंदर सबसे पहला स्टेप वही है, इसमें भी स्टेप्स याद करो। स्टेप नंबर वन, फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर, जो भी नंबर दिए हुए ना सबका क्या निकालो, प्राइम फैक्टर निकालो। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स निकालें। 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स, ये जो आप डिवीजन सिंबल बनाते हो इसके जरिए से जो आंसर आता है वो प्राइम फैक्टर्स के साथ। तो 2 से पहले डिवाइड करोगे, सबसे लीस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं, तो 2 से क्या आएगा बेटे, 5, और फिर ये 5 से ही होगा। तो 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए बेटा, 2 and 5। इनको आप प्रोडक्ट के फॉर्म में शो कर दो, यानी मल्टीप्लाई इनके दरमियान में लिखा जाए, ना लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिलहाल। अब 12 के निकाले बेटा, 12 के क्या क्या प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 6 आर, 2 3 आर, और फिर 3 1 आर। तो आप प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, 12 के तो कितने क्या क्या हो गए, 2 2 3। अच्छा ये बताइए, ये जो 2 दो दफा लिखा है, क्या मैं इसे 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, अब्दुल्ला? ये जो 2 लिखा था मैंने क्या किया, मैंने इसे जरा सी डिफरेंट फॉर्म में लिख दिया, मैंने इसे 2 की पावर 2 लिख दिया, क्या इसमें कोई एतराज है किसी को? जी समझ आ रहा है क्या किया मैंने, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 था, उसे मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया। अगर फॉर इंस्टेंस यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता, मैं क्या लगता उसको, क्यूब लिख देता भाई, तो इसमें तो परेशानी नहीं है ना किसी को भी। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं आगे आपको बताने लगा। ये बात याद रखना, जब कभी प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्निक यूज कर रहे हो, जब कभी प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्निक यूज कर रहे हो, आपके पास प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, सेकंड स्टेप पता है क्या होता है, जो कि फाइनल स्टेप है, वो है मल्टीप्लाई हाईएस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। हर प्राइम फैक्टर की क्या मल्टीप्लाई करना है आपने, हाईएस्ट पावर। मतलब ये किस लिए करना है, एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। एलसीएम क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। सो एलसीएम इज इक्वल टू, अब इनमें टोटल, अगर मैं लेट्स सपोज इस वाले को 2, इसको भूल जाओ, बस ये वाले, ये 10 के प्राइम फैक्टर्स हो गए और ये 12 को, इन दोनों को सिर्फ देखूं, ये जो दो मैंने अभी सर्कल बनाया है, इनमें जरा नोट करके मुझे बताओ टोटल कितने प्राइम नंबर हैं इनमें हमारे पास। ये 2 की प्राइम नंबर है, 5 भी है, और ये तीनों अलग अलग नंबर है ना। अब हमें क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है बेटा के 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, दोनों में कंपैरिजन करो, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 का स्क्वायर है, तो बस एक 2 का स्क्वायर लिख दिया, अब पिछले वाले 2 को भूल जाओ। इसके अलावा इसके बाद बड़ा नंबर कौन सा है, 3, 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो वही एक दफा लिख दो बेटे, और फिर 5, क्या 5 की कोई और वैल्यू नहीं है ना, कहीं पे भी नहीं है, तो बस वो सिंगल।
अगर आप ये बात याद रख लेंगे तो कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्निक से आपका आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, अब बताओ इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आता है? 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया? 4, 4 3 12, 12 5 16। तो पहले भी एलसीएम 60 आया था, अब भी एलसीएम 60 आया था, तो दो डिफरेंट मेथड्स मैंने आपको बताए। एलसीएम निकालने का पहला मेथड क्या था? कॉमन मल्टीपल मेथड, और दूसरा मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर मैं आपको कहूं कि आप ऐसा करें कि इस प्राइम फैक्टराइजेशन जो अभी मैंने आपको सिखाया, या मैं अभी तक दो सिखाया ना, मैं दोनों पे आपको एक काम देता हूं कि आप इस सवाल को, जो मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, इसको सॉल्व करें बाय बोथ द मेथड, तो कर लेंगे। नहीं भी समझ में आ रहा करके करने की अटेम्प्ट करो। चलो क्वेश्चन में लिख रहा हूं, फाइंड द एलसीएम ऑफ बल्कि थोड़ा सा मुश्किल करें। अब स्टार्ट करो जल्दी से। पहले कॉमन मल्टीपल टेक्निक यूज करनी है यार, कॉमन मल्टीपल के लिए बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 5 से ही कर लो, 3 5 और 15 से कर लो। ठीक है, 3 5 और 15 से ही। पहले कॉमन मल्टीपल टेक्निक, ये कॉमन मल्टीपल टेक्निक तुम लोगों के सामने कर दी है मैंने। क्वेश्चन क्या था लिख लिया? हाँ, पहले क्या करो, पहले क्वेश्चन लिखो जल्दी से अपने सामने। क्वेश्चन लिख लिया, फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 5 एंड 15। अब ये सामने तुम्हारे कर दिए मैंने कॉमन मल्टीपल टेक्निक, फॉलो द स्टेप्स एंड फाइंड आउट द आंसर बाय दिस मेथड। अच्छा भाई, तो एक तो ये लास्ट मेथड बता दूं जिसे हम मैजिकल मेथड कहते हैं। ठीक है, वो मैजिकल मेथड क्या है? मैजिकल या डिवीजन मेथड, इस मेथड को बहुत इजीली इम्प्लीमेंट किया जाता है, और नॉर्मली सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेड यही मेथड है। बट क्या फ़र्क है? कभी कभार हमारे पास एग्जाम में, ओ लेवल्स में इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं बेटा, कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जिसमें हम हमें जबरदस्ती प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज करना पड़ता है। यानी होता क्या है कि हमें कोई नंबर बता दिया जो अननोन है, और उसके फैक्टर्स बताए हैं। एक कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपको, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी क्लास में ना वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, ये वो किस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्निक को लाजमी इंप्लीमेंट करना होगा। ठीक है, हम उस पर बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो मैजिकल मेथड है। इसको आप सबसे शॉर्ट वे में अगर एलसीएम निकालना है ना आपने, तो आप ये यूज करते हो। कैसे? लेट सपोज मुझे 10 और 12 का एलसीएम निकालना है, 10 एंड 12, और मैं अब क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये मैजिकल मेथड को जो है वो अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे जल्दी से आंसर मिले। तो फिर ट्रिक क्या होती है? फिर ट्रिक ये होती है कि मैं इसी तरीके का डिवीजन सिंबल बनाऊंगा, मगर इसमें 10 और 12 एक साथ लिख दूंगा कॉमा डाल के। आगे का मेरे ख्याल से आप लोगों को पता है। क्या करते हैं उसके बाद? ऐसे नंबर से डिवाइड करते हो जो दोनों को डिवाइड कराओ, तो 2 5 10 और 2 6 12। अब छोटे से ही चलेंगे, 2 से जितना हो जाए। अब 3 की बारी आएगी, फिर 5 की बारी आएगी। जब तक दोनों 1 1 नहीं हो जाते तब तक आप इसे सॉल्व करते हैं बेटा। और पहली कोशिश होती है कि आप कॉमन को डिवाइड करें, फिर उसके बाद दूसरी कोशिश क्या होती है आपकी, कि आप
जो ऐसे नंबर्स हों जो हमारे पास अलग अलग हो रहे हैं, उसमें सबसे छोटे से स्टार्ट करें, ठीक है। अब इससे भी अगर आप अपने आंसर को निकालें तो वो सिंपल आंसर होता है कि डायरेक्टली आप इन सब सब का क्या कर दो, जो भी आपके पास वैल्यूज आए उन सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो आंसर आपके पास टू टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 3 12, 12 5 अगेन 60 आ जाएगा। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट मैथड, इसीलिए इसे मैजिकल मैथड कहा जाता है, जो आपको बहुत क्विकली आंसर दे देता है, ठीक है। सो दिस मैथड इज मैजिकल मैथड, और आपको अब तक तीनों मैथड एलसीएम के समझ में आ गए बेटा। इस मैथड में कोई कंफ्यूजन आता है ये सबको? इसके बाद बारी आती है, आप लोगों ने नाम सुना होगा एचसीएल, फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम से समझ आ रहा है कि क्या मतलब है भाई? जैसे एलसीएम था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मैंने उसका जो नाम था उस नाम से मैंने इसका एक मेथड निकाला था बताने का, और उसको मैंने नाम दिया था कॉमन मल्टीपल मेथड। उसमें क्या किया था मैंने, पहले मैंने मल्टीपल्स लिखे थे, फिर मैंने उनमें से कॉमन मल्टीपल ढूंढे, और फिर कॉमन मल्टीपल में से सबसे लीस्ट, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। इस हिसाब से खुद बताओ यहां पर क्या कर सकते हैं, पहले फैक्टर ढूंढो और जो कॉमन फैक्टर्स हो उन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो सबसे कॉमन जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर होगा ना वो आ जाएगा, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स निकालो, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकाल लो या सिर्फ फैक्टर्स निकाल लो ये आपकी मर्जी है, प्राइम फैक्टर ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। So, आप क्या करो, प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो अलग तरीके से सॉल्व करोगे, सिर्फ फैक्टर्स निकालोगे तो थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होगा, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स और फैक्टर्स में फर्क मैं आपको पहले बता दूंगा। प्राइम फैक्टर्स आर ओनली प्राइम नंबर्स, और ये आपके पास इस मेथड से आते हैं जो मैंने अभी आपको डिवीजन का बताया। तो बेटा अगर मैं इसका कोई एक मेथड, जैसे पहली बात इससे मुझे पता क्या लगता है, जैसे 10 और 12 का ही मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना चाहूँगा वो क्या होगा? टेन और ट्वेल्व का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या वैल्यू होगी, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, पहले इस पे बात हो जाए। मैं 10 और 12 का एलसीएम एचसीएफ निकाल के मुझे ऐसे क्या नंबर मिलेगा, उसका क्या फायदा है, कोई फायदा पता है? जी अब्दुल्ला, आप एचसीएफ निकाल के मैं क्या बेनिफिट लेता हूँ? चलो मैं मिसाल देता हूँ, कोई ऐसा नंबर मुझे चाहिए, मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसमें मैं दोनों को डिवाइड करा दूँ और वो हाईएस्ट नंबर, ऐसा हाईएस्ट नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो रहे हो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि फैक्टर वही होते हैं ना जिससे डिवाइड हो जाए। 10 और 12 किसी सबसे बड़ा जो नंबर जिससे डिवाइड हो जाए, चलो मैं थोड़ा सा ना मुझे बताओ, अगर 4 और 12 या 8 और 12, चलो 8 और 12, 8 और 12 सबसे बड़ा जो नंबर है किससे डिवाइड हो सकता है? 2 से हो सकते हैं, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, क्या 4 से किसी बड़े नंबर से ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि 4 ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो इस दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो 4 होगा। भाई 8 को डिवाइड कराओ 4 से और 12 को डिवाइड कराओ 4 से, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है ना, ठीक है। तो एचसीएफ बेटा ये है कि कोई ऐसा कॉमन नंबर जिससे 2 या 2 से ज्यादा नंबर डिवाइड हो जाए कंप्लीट,
ऐसा नंबर प्रैक्टिकल सिचुएशन में अभी मेरे जहन में मिसाल नहीं आ रही, लेकिन ऐसे चीज़ें आती हैं हमारे पास रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जहाँ पर हमें कोई तो एक ऐसा नंबर ढूंढना होता है जिससे मैं दोनों को डिवाइड करा सकूँ। कोई ऐसी वो आ गई जिससे मुझे इक्वल हिस्से बनाने, ठीक है ना, कोई दो ऐसी क्वांटिटीज आ गई, लेट सपोज मेरे पास 8 और 12 ही चीज़ें हैं और उन्होंने बोला भाई इसे ऐसे तकसीम करो कि इसके बिल्कुल बराबर बराबर हिस्से बन जाए सारे ना, तो चार चार के हिस्से बनाऊंगा तो 8 कितने हिस्सों में डिवाइड होगा, 2 हिस्सों में डिवाइड होगा और ये 3 हिस्सों में डिवाइड होगा, हो जाएगा ना इस तरीके से, जो इनका एक हिस्सा निकालोगे वो किसके बराबर होगा, वो 4 के बराबर होगा। भाई समझ लो ये 8 चीज़ें अलग पड़ी हुई हैं और तुम्हें जाना वो 12 चीज़ें अलग मिली और उनको बोला कि भाई बराबर हिस्सों में तकसीम कर दो, तो ये सारी इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। खैर इम्प्लीमेंटेशन पे काफ़ी बात हो गई, अब मैं आपको बता रहा था कि एस सी एफ की टेक्निक्स क्या होती हैं एस सी एफ फाइंड आउट। एक इसका कॉमन फैक्टर मेथड है, जैसे कॉमन मल्टीपल मेथड होता है, इसमें आप 8 के सारे फैक्टर्स लिख दो, सारे फैक्टर्स, सो फैक्टर्स ऑफ 8 कितने हैं बेटा, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। इसके बाद दूसरे के फैक्टर्स लिखो, फैक्टर्स ऑफ 12 क्या आ रहे हैं बेटे, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब जरा इनमें निकालो कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होंगे, इसके फैक्टर्स थे कॉमन फैक्टर्स 2 एंड 4, अब इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है, सो हाईएस्ट इज द एचसीएफ। तो इसे हम कहते हैं कॉमन फैक्टर मेथड। इसके अंदर भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एग्जिस्ट करता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है इसका, आप वैसे ही प्राइम फैक्टर्स निकालोगे 8 और 12 के, सो 8 के फैक्टर्स क्या आएंगे, ट्वेल्व के निकालिए, देन राइट ऑल द फैक्टर्स इस फॉर्म में लिख दो बेटा, दोनों के प्राइम फैक्टर्स लिस्ट डाउन कर दो और बस इसमें जो कॉमन है वो निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम में हम क्या करते थे, इनको लिखने के बाद हाईएस्ट पावर मल्टीप्लाई किया करते थे और सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व करते थे, यहां पर सिर्फ जो कॉमन है जैसे ये टू कॉमन है, इनको लिख दो और मल्टीप्लाई कर, दैट विल बी एस सी एफ, जो कॉमन नहीं है वो इसमें नहीं मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2s are 4, 4 विल बी द एस सी एफ। अच्छा अब आपका सवाल होना चाहिए था सर, जैसे आपने एलसीएम के 3 मेथड बताए, क्या एस सी एफ का भी तीसरा कोई मेथड है और जिसे हम मैजिकल मेथड कह सकते हैं, तो ऐसा है एस सी एफ का भी एक और मेथड एग्जिस्ट करता है बेटा और उस मैजिकल मेथड को या डिवीजन मेथड, वही अगेन उसका भी नाम सेम ही है मैजिकल या डिवीजन मेथड, उसे भी कहा जाता है
मगर इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या है, अगर मुझे एचसीएफ निकालना है 8 और 12 का, तो बेटा क्या करूंगा मैं, जो इनमें छोटा है ना, अभी 8 और 12 में कौन सा छोटा नंबर है, 8 को डिवीजर बनाऊंगा और डिविडेंड बनाऊंगा 12। क्या कहा, 8 को डिवाइजर, 12 को डिवाइडेंड, मतलब 12 से 8 को डिवाइड करा, सॉरी 8 से 12 को डिवाइड करा। अब बेटे बताओ 8 और 12 ये डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 से ही करेंगे, 8 वन ज़ार 8, क्योंकि 2 से तो 16 हो जाएगा, बड़े वैल्यू आ जाएगी। क्या बचा बेटे यहाँ पे, रिमाइंडर क्या बचा, 4। क्या 8 फर्दर इसको डिवाइड कर सकता है, अब क्या करो, जो छोटा हो गया ना जब ये, तो यहाँ पर बनाओ एक मजीद जो है ना वो दोबारा से डिवीजन का साइन बनाया और क्या किया, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है ना, तो अब ये वाला जो 8 है ये इधर ले आओ, तो जिस पर भी ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, अब जैसे ये 4 टू दार 8 कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो ये जो 4 होगा ना, जिस पर ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, दैट विल बी अवर एचसीएफ। और इसकी एक शॉर्टर टेक्निक ये भी है जो आप लोगों ने पहले पढ़ी, अभी बता रहा हूँ। इसी मैजिकल मेथड को ना दो तरह से किया गया है, एक मेथड ये है जो मैंने अभी आपको बताया, ये थोड़ा ओल्डर मेथड है, ये अब आप लोगों ने शायद ना पढ़ा हो, ये वाला मेथड आप लोगों ने जो मेथड पढ़ा होगा मैं अब आपको वो बता रहा हूँ। इसकी दोनों टेक्निक्स पाई जाती हैं, और दूसरा मेथड जो होता है ना इसमें वो ये है बेटा जो आपने अभी इससे पहले किया, बट हम इसे कंटिन्यू कहाँ तक करते हैं, जैसे 2 से शुरू किया, 2 4 ज़ार 2 6 ज़ार, अभी भी कॉमन, जब तक कॉमन नंबर आ रहा हो ना जिससे दोनों डिवाइड हो रहे हो, सिर्फ वहीं तक इसको कंटिन्यू करते हैं, जैसे 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6, अब कॉमन नहीं रहा, कोई एक नंबर दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा, तो अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपके पास एचसीएफ आ जाएगा। सो ये दोनों मेथड जो है ना वो मैजिकल मेथड के कैटेगरी में आते हैं, हम आजकल इस मेथड को ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पहले वाला मेथड हम इम्प्लीमेंट इतना नहीं कर रहे, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब ये बताइए, आप लोगों ने वर्कशीट अटैम्प्ट की जो मैंने सेकंड वाली वर्कशीट दी थी, पूरी कर ली है सबने, अब यार ऐसा करो जरा गो थ्रू करो, कोई ऐसी चीज जो वर्कशीट के अंदर अभी तक हमने डिस्कस नहीं की वो बताओ। एक तो यार इसके अंदर ना फॉर्मूला होता है कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो, तो ये एक रूल है कि ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होता है। जैसे आप ये बताओ एलसीएम कितना आएगा 8 और 12 का, अगर मैं इसी को आगे कर दूं, फर्दर कंटिन्यू करूं, तो 2 और 3 मजीद मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 2 4 4 2 8 8 3 24। एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर है, यानी नंबर कौन कौन है, 8 और 12, इनको मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आता है, हाँ 12 8 72, 96 सॉरी, तो 96। और एलसीएम कितना था, 4, एचसीएफ कितना है, सॉरी सॉरी गलत बोल गया, एलसीएम कितना है 24, एचसीएफ कितना है 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो भी 96 ही आ रहा है। तो देखो ये जो रूल है ना कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट बराबर आता है नंबर्स के प्रोडक्ट के, जो एक्चुअल है। कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, लेट सपोज
अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, लेट सपोज सुनो कि इफ एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 60, ठीक है, एंड ये क्या हो रहा है, बहुत गर्म हो गया ये, एंड देयर एचसीएफ टू, फाइंड द टू नंबर्स इफ द डिफरेंस बिटवीन दोज नंबर्स इज टू। अब ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन बना के दिया, अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से आए ना तो बोलते हो ये तो मैंने करना ही नहीं है क्योंकि मुझे ये कभी आएगा ही नहीं। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को देखते घबरा जाते हैं, छोड़ देते, हालांकि क्वेश्चन कुछ भी नहीं है अगर आपको ये लॉजिक पता है जो मैंने अभी आप पिछले सवाल पे बताई कि एलसीएम और एचसीएफ का अगर मल्टीप्लाई कर दो तो वो बराबर किसके होता है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसे कहते हैं भाई, मल्टीप्लाई के आंसर को प्रोडक्ट कहते हैं ना। देखो मैंने पिछले इसमें क्या किया, 8 और 12 वही दो नंबर थे ना जिनका एलसीएम 24 और एचसीएफ 4 था, जब मैंने 8 और 12 को मल्टीप्लाई किया और इनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया, दोनों में देखो आंसर क्या आया था, सेम आया था ना बच्चे, तो सेम ट्रिक यहां पर यूज होगी अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखो। सवाल में कह रहे हैं भाई इफ एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 60, अगर दो नंबर्स का एलसीएम क्या है, सो एलसीएम इज इक्वल टू 60, और क्या कह दिया, एंड देयर एचसीएफ इज टू और इनका एचसीएफ क्या है, टू। आपसे कह रहे हैं फाइंड द टू नंबर्स उन दोनों नंबर्स के, जी भाई फाइंड द टू नंबर्स इज द डिफरेंस बिटवीन दोज नंबर्स इज टू, उन दोनों नंबर्स के दरमियान का जो फर्क है वो कितना है, टू। ये जो बात लिखी है इससे मुझे क्या पता लग रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन दोज नंबर्स इज टू, उनके दरमियान फर्क टू का है, अगर फर्स्ट नंबर को मैं एक्स मान लूं तो दूसरा नंबर क्या होगा, भाई पहला नंबर अगर मेरे पास, मैंने उन्होंने बोला ना दोनों नंबर में फर्क कितने का है, दो का है, इसका मतलब ये होगा कि पहला नंबर अगर 5 है तो दूसरा क्या होगा, 7, तो अगर पहला नंबर एक्स है तो दूसरा क्या होगा, एक्स प्लस टू होगा या नहीं, पहला नंबर एक्स है तो दूसरा क्या होगा, एक्स प्लस टू, क्योंकि ये बात उन्होंने बता दी कि उन दोनों के दरमियान फर्क कितना है, दो का, जैसे वो होते हैं ना ऑड नंबर्स या इवन नंबर्स, क्या होते हैं इन सब में, इवन नंबर ऑड नंबर में सब में दो का फर्क होता है। खैर अगर मैंने ये कंसिडरेशन कर ली तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, इससे मैं ये कर सकता हूँ कि भाई मैं लिखूँ फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय किसके बराबर लिखूँ, इक्वल टू एलसीएम टाइम्स एचसीएफ,
एलसीएम कितना है? 16। एसीएम कितना है? 2। और ये पहला नंबर है अगर एक्स है, दूसरा क्या नंबर है? फर्दर मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि इसके अंदर फिर एक और टॉपिक इन्वॉल्व हो रहा है जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, तो मैं अभी फिलहाल वो नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारे पास वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये सारे टॉपिक नहीं पढ़े होंगे। लेकिन मैंने आपको एक इम्प्लीमेंटेशन बता दी कि एलसीएम एचसीएम को किस तरीके से भी यूज करना आ सकता है। अच्छा जी, एक और टर्म है जो हमारे पास इस डे टू का, अभी तक हम डे टू का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं जो मुझे गिवन था, तीसरी क्लास है हमारी एक्चुअली, बट इसमें हमने दो क्लासेस का जो सिलेबस गिवन था वो किया है, और मुझे कोई जल्दी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। आपको समझ में आ रहा है तो फिर ही आप आगे बढ़ेंगे। अभी तक ये बताओ, जो जो चीज़ें पढ़ी जो इस में आपने देखी अभी तक, इनमें किसी में कोई कन्फ्यूजन है बेटा? अटैम्प्ट करके देख लिए हैं सारे क्वेश्चंस, वर्कशीट दोनों अब कंप्लीट सॉल्व करके अपने टीचर्स को सबमिट करानी है। सेकंड आपके पास नहीं है, आप उसे भी ले लेना चाहते हो। जिनके पास भी सेकंड वर्कशीट नहीं है आपके पास, तो मेरे ख्याल से पहली दोनों ही नहीं होगी, या पहले में थे आप, तो दूसरी आप ले लेना, तो आप लेकर उसको कंप्लीट सबमिट कर देना नेक्स्ट डे जल्दी। अच्छा भाई, एल सी एम का मतलब क्या होगा खुद बताओ, लोएस्ट या लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसके अलग अलग मेथड बताने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिकली रहो तो भाई सबसे छोटा कॉमन फैक्टर। अगर मैं इसी एग्जांपल में आऊँ जो पहले हमने एस सी एफ की कि जिसमें मैंने सारे फैक्टर्स देखे, किधर गया ये रहे, सारे फैक्टर्स देख लिए आपने, फैक्टर एट के भी देख लिए, ट्वेल्व के भी देख लिए, इनमें कॉमन जो आए तो टू थे और फोर था। फिर आपने क्या किया, टू और फोर में देखो सबसे छोटा कौन सा है, तो दिस इज द लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, दिस इज कॉल्ड एलसीएम।